आज का मीटिंग को आरंभ करते हुए हम ईश्वर पिता का धन्यवाद करें। उल्लेख महीना भर के जीवन में हम सब को संभाला और आज का दिन को देखने की यह अवसर दिया। साथ में हमें आज के बैठक में जो पहुंचाया उस खुदा का धन्यवाद देते हुए हम गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 261 साक्षी वाणी गीत नंबर 261 परमेश्वर की दया से हम सबों को कुशल से हे ईश्वर तू या सामर्थ्य की कार्य तेरा नेम और पे स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के परमेश्वर ही की दया से हम सबों को जीवन प्रदान करते हुए आज के इस पेरिस कार्यक्रम के बैठक में दूर निकट से हर सेवक श्री का गणों को हर विश्वासियों को हर पंच गणों को प्रभु आपने आज की इस बैठक में उपस्थित किया है। और इस बैठक को आरंभ करने से पहले आपका जीता वचन को आज पढ़ने और सुनने के लिए चाहते हैं। स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान आत्मा से परिपूर्ण कर ताकि वह वचन हमारे
जीवन को हम सबके जीवन को सिद्ध और पवित्र करे और हम सब पवित्रता का जीवन में आगे बढ़ने सके। जितने भी हम सबके जीवन में रुकावट हैं, बाधाएं हैं, सारे रुकावट बाधा को एक परमेश्वर पिता और पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से दूर कर और हम सबों को तेरे मार्ग में चलने में अगुवाई कर, गुनाह पाप क्षमा कर। प्रार्थना उद्धार करता पवित्र यीशु के नाम पर मांगते सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हम लोग अगुवाई के लिए वचन देखेंगे, वह भी मिलता है भजन नंबर 16 उसका 11 वचन, भजन नंबर 16 उसका 11 वचन, उसमें प्रभु का वचन इस तरह से हम लोग पाते हैं। भजन संहिता 16:11, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो ये क्रिस्त यीशु। हालेलुया। मिलकर अपने महापद विश्वास वाक्य को एक साथ उच्चारण करते हुए यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजन है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांच उस पिलातुस के आगे से गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, मर गया, तीसरे दिन मृत्यु से उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को भी आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र किसानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, एक ही जीव उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आज की इस 23 कार्यकारी की बैठक में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के वचन पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है कि आज हम दाऊद की किताब के द्वारा से जो परमेश्वर का भक्त का वह कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। आज हर एक लोगों के लिए रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है और वही हमारे जीवन में अगुवाई और सहायता करने वाला है। इसलिए वह राजा अपने जीवन में उसको प्रतिज्ञा देता है और कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आज कहीं पर भी जाते हैं खुशी जरूर हमें मिलता है। आप भी यहाँ चाहा मंडली में आए, हमारे चाहा मंडली के लोग अपना प्रेम को हमें बांटा है, खुशी मिला, आनंद मिला, लेकिन इससे बढ़कर हमारे जीवन के लिए परमेश्वर आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है, इसलिए आज उसके निकटता में आने की हमें जरूरत है और उसी से हम सबों के लिए अगुवाई और मार्गदर्शन देने वाला है और कहता है तेरे दाहिने हाथ में सुख और सर्वदा बना रहता है। आज यीशु मसीह का दाहिना हाथ इतना सामर्थ्य हाथ है जो आज हमें सुख और सर्वदा उस हमें देता रहता है। उसके पास सुख है, उसके पास आनंद है, उसके पास शांति है, उसके पास छुटकारा है और हमारे लिए सर्वदा, एक दिन के लिए केवल नहीं, रोज रोज के जीवन में हमें प्रदान करता है। इसलिए आज हमें नए नियम की पुस्तक में भी हम देखने पाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 7:14 वचन में वहाँ पर बतलाना चाहता है कि सकरा मार्ग के बारे में कैसा हमारे जीवन के लिए मार्ग है, आज रास्ता है जो सकरा है। 7:14 वचन में हमें कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य, सॉरी
क्योंकि सकेती है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। आज यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए कह रहे हैं कि मत्ती 7:14 में कि सकेती है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। आज कहीं पर भी आज परमेश्वर की काम के लिए जाते कठिनाई है, परेशानी है, दुख है, संकट है, लेकिन उसी ने हमारा जीवन है। आज यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने के लिए कई परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सीधा चले गए और पहुंच गए, ऐसा नहीं है। कई तरह के परीक्षाएं हैं, कई तरह के दुख और तकलीफें हैं, कई तरह के लोगों के जीवन से कई बातों को सुनना पड़ेगा, इसलिए कठिन है होता है, सकरा है वह मार्ग। और जब हम धीरजता के साथ धरे रहते हैं जीवन में पहुंचेंगे। इसलिए आज इस कठिनाई से हमें सामना करना होगा, हिम्मत करना पड़ेगा, तभी हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आज क्या पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं, और कह रहे कि थोड़े हैं जो पाते हैं। मसीह में प्यारो, आज हम सभी लोग मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और यीशु मसीह के निकट में आते हैं, लेकिन थोड़े हैं हुए जो पाते हैं। आज हम लोग कई लोगों के जीवन को देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तो प्रतिज्ञा करती है, लेकिन कई परेशानी आती है, कई समस्या आती है, कई दुख तकलीफ आती है, मुकर जाते हैं और यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं, उस प्रतिज्ञा को भूल बैठते हैं, उस जीवन को भूल बैठते हैं और हम चौड़ा मार्ग चुन लेते हैं। चौड़ा मार्ग को बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि उसमें अलंग भिलंग चलने की है, वो चौड़ा है लेकिन वह दुखदायी और अधिक है। जब हम इस पृथ्वी के जीवन को छोड़ेंगे तो वहाँ पर रोना होगा, दांत पीसना होगा। लेकिन जो लोग आज सकरा बोलने से छोटा मार्ग या सकरा मार्ग है, कठिन मार्ग है, उसमें चलने के द्वारा से हम जीवन में पहुंच सकते हैं, यीशु मसीह के पास पहुंच सकते हैं। कठिन जरूर है लेकिन उसमें जीवन है। आज कहीं पर भी जाइएगा, कुछ भी काम कीजिएगा, दुख के बाद ही सुख मिलता है। ऐसा नहीं कि सुख के बाद में दुख है, ऐसा नहीं। कोई भी काम करते हैं दुख के बाद में ही क्या है, सुख है। घर बनाते हैं, घर बनाने के समय में भी कितना दुख लगता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन घर तैयार हो जाता है तो हमें आनंद मिलता है। तो वैसे ही हर काम में, नौकरी पेशा में भी वैसे ही, हर खेत खलिहान में भी काम करने की वजह से वैसे, यीशु मसीह के राज्य में भी पहुंचने के लिए कई दुख है, कई तकलीफ है। लेकिन जो लोग आज उस दुख तकलीफ में धीरज रखते हैं वे परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। आज यीशु मसीह हर एक लोगों के लिए जीवन का मार्ग बताता है, और तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। मसीह में प्यारो, आज प्रार्थना करना या वचन पढ़ना सुनना एक हमारे लिए दर्शन की बात है, और उसमें सब चीज है, सब बातें हैं। आज हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, मंडली कलीसिया में, देश में जो भी हो रहा है वो सब चीज अंकित किया गया है। अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं प्रार्थना के द्वारा से, आज वचन पढ़ के अपने जीवन को संवार सकते हैं। अगर हम नहीं संवारते हैं, दर्शन नहीं देखते हैं, अर्थात वचन नहीं पढ़ेंगे, तो हम इस जगत के जीवन में खोए रहेंगे। लेकिन दर्शन वे लोग देखेंगे जो परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उनके जीवन में आनंद है। तो आइए आज हम उसी आनंद में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। जरूर आज इस जगह पर आने के द्वारा से दुख हुआ होगा किसी के जीवन में, लेकिन आज इस दुख को हम धीरजता के साथ सहे कि हम परमेश्वर के राज के वारिस हों। आज इस जीवन की यात्रा हमारे लिए कई उतार चढ़ा है, लेकिन एक दिन हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। इन्हीं वचनों के द्वारा से प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दें। आमीन।